बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बेटे अपनी उर्दू की बुक खोलें, पेज नंबर 46। आज हमने करना है सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। दरवाज़े पे आया था डाकिया, दूध वाला, अखबार वाला या सब्ज़ी वाला? कौन आया था दरवाज़े पे? डाकिया। डाकिया पे टिक लगाएं। फूफी जान पहुँच गई। नंबर 1, 26वें रोज़े, 27वें रोज़े, 28वें रोज़े या 29वें रोज़े? किस रोज़े पहुंची थी? 29वें रोज़े। ठीक है, अब है आगे, खुशियां बांटने से ख़त्म हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं? क्या हो जाता है? बढ़ जाती हैं। इस पर टिक लगाइए। आगे है, नमाज ईद के बाद बच्चों को मिली दुआ दी या ईद दी या शाबाश या मिठाई? क्या दिया था बच्चों को? ईदी दी थी। ठीक है, इस पर टिक लगाइए। शाम को सब मिलकर गए कहाँ? हसन के चचा के घर, हसन के नाना के घर, हसन की खाला के घर, हसन के मामू के घर। कहाँ गए थे? हसन के नाना के घर। इस पर टिक लगाइए। आगे है सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब के सामने गलत, दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत जवाब के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। हसन की खाला ने हसन को खत लिखा था या नहीं? गलत है। फूफी जान अकेली लाहौर आई थी। गलत। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। सही। इस पर टिक लगाइए। नमाज ईद से पहले सबने खीर खाई। क्या खीर खाई थी? क्या खाया था? क्रॉस करें, सवैयां खाई थी। ईद के रोज़ असलम के घर वालों को बुलाया गया। टिक। सही बात है, बुलाया गया था ना असलम के घर वालों को, असलम सब्ज़ी फरोश के। आगे है पेज नंबर 47, अल्फाज साजी, सवाल नंबर 4, इन अल्फाज पर एराब लगाएं और दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ें। वसूल, वा, वाव के ऊपर ज़बर, स्वाद के ऊपर पेश, लाम पे जज़्म, छुट्टियाँ, चे हकी बनी छे, इस पे लगाएं पेश, टे के ऊपर मद और ज़बर, ये के ऊपर ज़बर और नून के ऊपर जज़्म, सवैयाँ, सीन के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर ज़बर, ये अलीफ के ऊपर मद और नून के ऊपर जज़्म, मुकम्मल, मीम के ऊपर पेश, काफ के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर शद और ज़बर, लाम पे जज़्म, अदारे, अलीफ के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर ज़बर, अलीफ पे जज़्म, रे के नीचे ज़ेर और बड़ी ये के ऊपर जज़्म, अदारे। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 5, लफ्ज़ के शुरू में ना लगाएं और नए लफ्ज़ अल्फाज बनाएं। जैसे काम के शुरू में क्या लगाना है? नून अलिफ ना, ना लगा दें तो क्या बन जाएगा? ना काम। जैसे ये है, उम्मीद के आगे ना लगाएंगे इससे पहले तो क्या बनेगा? ना उम्मीद। लाइक, लाइक है इससे पहले नून अलिफ ना लगा दिया तो क्या बना? ना लाइक। आगे जैसे साज है, साज से पहले ना लाए ना नून अलिफ ना लगाएंगे तो ना क्या बन जाएगा? ना साज। दान है, दान के पहले नून अलिफ ना लगाएंगे तो क्या बनेगा? ना दान। बीना है यानी बीना, देखने वाला, देखने वाला और नून अलिफ ना लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ना बीना, जिसको नज़र नहीं आता। ठीक है, आज का हमारी इतनी एक्सरसाइज है, आपने इसको अच्छे से याद करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने रेफ रजिस्टर पर। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी की एक्सरसाइज हम कल करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।